नमस्ते। श्योर हीलिंग मेडिटेशंस में आपका स्वागत है। मैं आज एक पावरफुल मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन शेयर करने वाली हूँ। इसका नाम है वायलेट फ्लेम मेडिटेशन। बैंगनी रंग जो होता है उसका, वो जो पावरफुल कलर होता है उसको, वो वायलेट फ्लेम ना, ये जो ज्वाला है, वायलेट ज्वाला, वो ज्वाला क्या करते है? पूरा जो हवन में कुछ भी डालेंगे तो कैसे भस्म हो जाता है, वैसा ये वायलेट फ्लेम अपने अंदर जो भी ज़रूरत नहीं है उसको चला देता है। जो अपने को इतना प्यूरिटी बना देता है कि पवित्रता, कि भगवान जितना अपने को पवित्रता होना चाहते हैं उतना पवित्रता अपने को करा देता है। तो वो वायलेट फ्लेम को लेकर कैसे हम लोग मेडिटेशन करेंगे और खुद का हीलिंग करेंगे, ये हीलिंग भी हो जाता है साथ में और अपना पूरा अनवांटेड थिंग, नेगेटिव थॉट्स वगैरह भी अपने से इरेस हो जाता है। चले करें ये वायलेट मेडिटेशन। हेडफोन लगा लीजिएगा, हमेशा याद रखिए हेडफोन मस्ट, कंपलसरी है। हाथ को फ्री रखने का है, आप लेट सकते हैं या बैठ सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी। ये मेरे मेडिटेशंस वगैरह पूरा बैठ के करना, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप लेट के भी कर सकते हैं, आराम से लेटे हुए भी कर सकते हैं, पर एक ही बात है कि आप हेडफोन लगाइएगा, हाथों को फ्री रखिएगा। चले, आर यू रेडी? 10-15 मिनट आपके लिए आप दे सकते हैं, वैसा वक्त निकालिएगा, जल्दीबाजी में मत करिएगा, तभी मेडिटेशन का पूर्ण फल अपने को मिलेगा। ओके, क्लोज योर आइज, आंखें बंद कीजिए। आपका सांस के ऊपर आपका ध्यान लाइएगा, जैसे अंदर जाता है जैसे बाहर आता है। इनहेल लाइट, जो जो भी श्वास अंदर लेते हैं पूरा लाइट को लेते हैं। एक्सहेल डार्क, जो भी अंदर नेगेटिव है वो सब बाहर निकला जाता है एक्सहेल करते वक्त, तो आप सांस छोड़ते वक्त। इनहेल एक्सहेल। अभी नाक से सांस अंदर लेके मुंह से बाहर निकालने का है। ऐसे स्लोली 3 टाइम्स करिएगा। थ्री टाइम्स होने के बाद आपका ध्यान सांस के ऊपर रखिए और हर एक सांस लेते वक्त और छोड़ते वक्त आपका बदन रिलैक्स होता है वो महसूस कीजिए। सर को रिलैक्स करिए, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, राइट साइड ऑफ द ब्रेन रिलैक्स होता है। आपका फोरहेड, आईब्रोस, आंखें, चीक्स, आपका पूरा चेहरा रिलैक्स्ड है। एक अच्छा सा मुस्कुराहट आपका चेहरे में आना चाहिए। ये मेडिटेशन पूरे करते तक आपका मुस्कुराहट ही आपके चेहरे में रहना भी चाहिए। गर्दन, कंधे, हाथ, पांव, पीठ, कमर, थाइस, पूरा फीट, घुटने, अपर पार्ट ऑफ द थाइस, अपर स्टमक, चेस्ट और थ्रोट, पूरा बॉडी रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपका बॉडी अभी रिलैक्स हो रहा है, एकदम शांत है बॉडी, कहीं भी स्ट्रेस नहीं है। अभी आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र में, फोरहेड में, बिटवीन योर आईब्रोज, वो भाग में लाइएगा, वहाँ रखिए। मैं अभी अल्फा माइंड लेवल को आपको लेके जा रही हूँ। 10, 9, 8,
सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक। आप अभी डीप अल्फा लेवल में हो, आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है। नो मोर नेगेटिव थॉट्स और नो मोर थॉट्स, जीरो लेवल, एकदम शांत है आपका दिमाग, माइंड एंड बॉडी, आपका बदन और दिमाग दोनों शांत है। अभी मैं गॉड गॉडेसेस रेकी मास्टर्स एंजल्स और गुरु को बुला के आपका एक सुरक्षा चक्र देने के लिए बोलूँगी। अभी वो लोग गुरु रेकी मास्टर्स एंजल्स सब आपको एक परिपूर्ण रक्षा का सुरक्षा चक्र एक दिया है। आप वो सुरक्षा चक्र के अंदर सेफ है, हमेशा सुरक्षा चक्र मांग के लेना चाहिए ताकि हम प्रोटेक्टेड रहें। अभी मैं वायलेट फ्लेम के एंजल्स आर्कएंजल जमीर और लेडी मदर पर्शिया को बुलाऊंगी। वो आपको ये वायलेट फ्लेम मेडिटेशन करने के लिए वायलेट फ्लेम आपको देंगे। आई कॉल अपॉन आर्कएंजल जमियल एंड आर मदर लेडी पोशिया टू बी हियर एंड टू गिव वायलेट फ्लेम फॉर दिस ब्यूटिफुल वायलेट फ्लेम मेडिटेशन सेशन। तो आपके पाँव से वो वायलेट ज्वाला है वो ऊपर तक पहुंच रहा है। डरिए मत, ये तो एकदम सुरक्षा है, आपको कुछ नहीं टेंस नहीं पहुंचेगा, एकदम आपको तंदुरुस्त और फ्रेश वापस लेके आएगा। वो ज्वाला है पाँव से ऐसे पूरा बदन के ऊपर ऐसे आ रहा है, घुटनों में आया, थाइस में आया, कमर, ऐसे पूरा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में पूरा कवर हुआ, सर के ऊपर से आपका चक्रास के अंदर भी जा रहा है, मूलाधार चक्र, सेक्रल चक्र, सोलार चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, ब्रो चक्र एंड क्राउन चक्र, पूरा चक्र में भी जाता है। आपके जो बॉडी पार्ट्स अंदर जो है वो उसमें भी जाएगा, किडनीज वगैरह अंदर भी जाएगा एकदम। ब्रेन को लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, राइट साइड ऑफ द ब्रेन, पूरा ऐसे पूरा बाहर आके आपका आउरा में भी स्प्रेड हो रहा है। पूरा आपका बदन में वो वायलेट फ्लेम स्प्रेड हुआ है। वायलेट फ्लेम को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी मुझमें जो भी ज़रूरत नहीं है वैसे वाला मेमोरीज हो, नेगेटिव थॉट्स हो, वो सबको भस्म कर दो। I request violet flame to take away all the unwanted things from me. मुझसे जो भी ज़रूरत नहीं है, मैं अंदर मेरा अंदर छुपा हुआ है वो सबको भस्म कर दो, उसको लव एंड लाइट बना दो, भस्म करके उसको लव एंड लाइट बना दो। वायलेट फ्लेम अच्छे से ऐसे पूरा ज्वाला चल रहा है, ब्लेजिंग वायलेट फ्लेम पूरा आपको क्लेंस कर रहा है, जो भी अनवांटेड थिंग्स है उसको निकाल रहा है। तभी हम एक मंत्र पढ़ेंगे, मैं वायलेट फायर हूँ, मैं वायलेट फायर हूँ। मैं जो बोलेंगे वो मन के मन ही मन आप रिपीट करिएगा, मैं वायलेट फायर हूँ। भगवान जो चाहे उतना पवित्रता मुझे ये वायलेट फ्लेम बना रहा है। मैं वायलेट फ्लेम हूँ, भगवान जो चाहते हैं उस पवित्रता तक मुझे वायलेट फ्लेम लेके जाता है। आई एम अ बीइंग ऑफ वायलेट फायर, आई एम द प्यूरिटी गॉड डिजायर। आई एम अ बीइंग ऑफ वायलेट फायर, आई एम द प्यूरिटी गॉड डिजायर। मैं वायलेट फ्लेम हूँ, मुझे भगवान की इच्छा की तरह
पवित्रता बनना है, जो भी अनवांटेड थिंग्स है, नेगेटिव इमोशंस है, गुस्सा, क्रोध, भय, जितना भी गिल्टी फीलिंग, जितना भी छुपा हुआ अनवांटेड इमोशंस है, वो सब अभी भस्म होके लव एंड लाइट बन जाता है. आई एम अ बीइंग ऑफ वायलेट फायर, आई एम द प्यूरिटी गॉड डिजायर. मैं वायलेट फ्लेम हूँ, मैं वायलेट ज्वाला हूँ. मुझे पवित्र भगवान की इच्छा से तरह पवित्रता बनना है. मैं वायलेट फ्लेम से प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझ में जो भी ज़रूरत नहीं हो वो सबको भस्म कर दे. मेरे अंदर जो भी छुपा हुआ है, जो मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि वो मेरे अंदर है, बुरे मेमोरीज हो, जो बीता हुआ समय में जो जितना भी दुख पहुंचा होगा वो सब भी अंदर रहा होगा, सबको भस्म कर दे. तो पूरा ब्लेजिंग वायलेट फ्लेम अंदर और बाहर और आपका ऑरा पूरा क्लेंसिंग हो रहा है. अच्छा सा आप ये हीलिंग को एंजॉय कर रहे हैं, पूरा अच्छा सा हील क्लेंसिंग हो रहा है आपका. आई एम अ बीइंग ऑफ वायलेट फायर, आई एम द प्यूरिटी गॉड डिजायर. I am a being of violet fire. I am the purity God desire. I am a being of violet fire. I am the purity God desire. आपका aura भी cleanse हो गया, आपका body भी cleanse हो गया, आपका mind भी cleanse हो गया. Internal organs जो है अंदर जो आपका जो organs है वो सब भी cleanse हो गया. आप एकदम पवित्रता हो गया. अभी देखिए कितना खुशी लग रहा है आप, इतना अच्छा लग रहा है आपको. मन को शांति है, बदन में जो भी दर्द है, मन में जो भी दर्द है, सब गायब हो गया. वायलेट फ्लेम ने वो सबको निकाल के आपको पवित्रता बना दी. अभी ऐसे ही वायलेट फ्लेम आर्कएंजल जमीएल और मदर लेडी पर्शिया के पास चले जाता है अपने को हील करने के बाद. इतना अच्छा लग रहा है आपको. तो हम आर्कएंजल जटकेल और मदर लेडी पर्शिया को धन्यवाद बोलेंगे. आई थैंक फॉर गिविंग अस दिस वायलेट फ्लेम. उस वायलेट फ्लेम को धन्यवाद कहेंगे, वायलेट ज्वाला, जो मुझे अभी पवित्रता बना दी, इसके लिए धन्यवाद है. जो आप जो गॉड गॉडेस रेकी मास्टर्स एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रक्षा का सुरक्षा दे रहे हैं, उनको भी थैंक्स बोलिएगा. आप अपने आप को थैंक्स बोलिए. आपने सोचा नहीं होगा तो ये मेडिटेशन आप किया नहीं होंगे, इसीलिए खुद को एक थैंक यू बोलिए. थैंक यू फॉर गिविंग माई सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी. मैं खुद के लिए ये वक्त निकाल पाई, ये मेडिटेशन कर पाई, जो मुझे बहुत अच्छा क्लेंसिंग हुआ है, एनर्जाइज भी हुआ है बोल के तो खुद को एक थैंक यू बोलिए. तो जो भी इसमें इंक्लूडेड है उन सबको आप थैंक यू बोलिएगा. अभी फिर से आपका कंसंट्रेशन सांस के ऊपर आएगा. जैसे सांस अंदर जाता है बाहर आता है वो देखिएगा. स्लोली आपका बदन को पूरा अवेयरनेस में लाइए. पाँव में थोड़ा पाँव को थोड़ा सा हिलाइएगा, हाथ को हिलाइए, गर्दन को राइट साइड और लेफ्ट साइड धीरे से, एकदम धीरे से करिएगा. दोनों हाथ को रब करके आपको आंख के ऊपर रखिएगा. जब भी आपको लगे कि मैं ठीक हूँ, मैं आंखें खोल सकती हूँ,
तो आराम से खोलिए और उठ सकते हैं। ये रहा अपना वायलेट फ्लेम मेडिटेशन, जो पावरफुल है। जब भी आप चाहे कर सकते हैं, आपका मंथ वीकली वंस भी कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि मुझे तबीयत ठीक नहीं है, तो ये मेडिटेशन आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।